हेलो रिवान, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है क्रश की फीलिंग्स के लिए, रिक्वेस्टेड रीडिंग अगेन। और आज है 31st, तो नई साल की शुरुआत होने जा रही है, पुराने साल की एंडिंग। तो इस बीच में क्रश की सिचुएशन क्या है, क्या जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक ना काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी इस एक्सपेक्टेशंस होती है। तो लेट्स सी कि जो फील हो रहा है ना, क्रश सिचुएशन वही होती है कि जहाँ पे आप किसी को पसंद कर रहे हैं या कोई आपको पसंद कर रहा है, लेकिन बात क्लियर नहीं हो पा रही है कि एग्जैक्टली ये क्या चीज़ है, लाइक है कि नहीं है फीलिंग्स। तो वो चीज़ देखने की कोशिश कि क्या चल रहा है। प्रपोजिंग, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज इस बात का ध्यान रहे। फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, एग्जैक्टली क्राइंग इन डिप्रेशन, पैशन, वर्क ऑन योर कनेक्शन एंड वन साइडेड लव। बॉटम डेक है अट्रैक्शन। ओके, सो पहले का जो कार्ड आया था प्रपोजिंग, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, क्राइंग एंड डिप्रेशन, पैशन, वर्क ऑन अ कनेक्शन इन वन साइडेड लव। इस मुझे ना ये जो फील हो रहा है ना कि आप उनको देख रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं ना कहीं ऐसा है ना कि कुछ तो है जो आप दोनों को एक दूसरे के लिए फील होता है, लेकिन श्योर नहीं है, कहीं आपकी तरफ से कहीं उनकी तरफ से। आपके मन में भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का एक ना दुख है। मे बी आपका कोई कनेक्शन है जो रिसेंटली टूटा था या रिसेंटली टूटा है, और सेम वे उनका भी हो सकता है। कहीं ना कहीं एक दिल के टूटने की एक फीलिंग्स है एंड एक फियर है मन में, या उनके पास में कुछ हुआ है या आपके पास में कुछ हुआ है, जहाँ पे एक फियर है, एक डर है कि ये सब कुछ पहले की तरह नहीं ख़त्म हो, या पहले की तरह बिगड़ ना जाए, पहले की तरह तकलीफ़ बन जाए। बहुत मुश्किल से इन आप में से दोनों कोई एक तकलीफ़ से बाहर निकला है, बहुत ज़्यादा एक एकदम क्राइंग की एनर्जी, बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन की एनर्जी, उससे बाहर निकला है। तो जब अट्रैक्शन होता है ना क्रश की तरफ, तो बहुत ज़्यादा फील होता है कि दिस इज़ डिफरेंट, जैसे ना कोई अपना दिल देने से ही डर रहा हो, फिर आप हो या वो हो, बट कोई अपना दिल देने से ही डर रहा हो, ऐसी सिचुएशन है। इसलिए जो अपोजिट पर्सन है, मान लीजिए कि आपके क्रश आपको देख रहे हैं बट आपके मन में कोई डर है, या आप उनको देख रहे हैं तो उनके मन में ना अंदर ही अंदर डर लग रहा है कि ये पर्सन मुझे अच्छा तो लगता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होता है आपके लिए, पैशन फील होता है, बट ऐसे कैसे। और ये ना एक बहुत ज़्यादा एक नई उम्मीद की तरह है, बहुत ज़्यादा नई उम्मीद की तरह है। तो कि जैसे ना उन्होंने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ चल रहा था, अभी भी इनफैक्ट कुछ लोग केसेस में चल रहा है, तो वो डर रहे हैं कि ये क्या है, ये एक क्या इल्यूजन है, छलावा है, या फिर इट्स रियल कि ये इंसान मेरे लिए कितना सही हो सकता है। क्योंकि इस बीच में ना, ये कनेक्शन में कोई ना अपना दिल टूटने के डर से ना सामने नहीं आ रहा है। यस, अगर कन्फेस भी करना है या फिर किसी ने अगर प्रपोज किया तो हाँ भी बोलना है, तो ये सब चीज़ का ना अजीब सा डर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूरी है कि मान लीजिए कि आप उनको प्रपोज करें और वो जल्द से ना हाँ बोले, या फिर वो आपका प्रपोज करे तो जल्दी से प्रपोज ना करे, कि इच्छा तो है, डिज़ायर तो है कि यस ये पर्सन मुझे कुछ खास लगता है, चलो डेट के लिए पूछ लेते हैं,
डेट के लिए पूछ लेते हैं, जानने के लिए पूछ लेते हैं, कहीं पे जाते हैं, मिलते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, जानते हैं इस पर्सन के बारे में, ऐसी तो इच्छा बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ना एक अजीब सा डर भी लगता है कि ये क्या समझ लेंगे, मतलब आप उनको या वो आपको क्या समझ लेंगे, मतलब कहीं जल्दी तो नहीं हो जाएगा अगर पूछ लेते हो डेट के लिए है या कुछ भी बात के लिए, तो कुछ जल्दी तो ना हो जाएगी, या फिर कोई पर्सनल बात पूछ ले कि, तो फिर ऐसा लगे कि इतनी जल्दी इतनी सारे बातें क्यों पूछना है, वो सारी चीज़ें हो सकती है। तो लेकिन अजीब सी कश्मकश है कि जानना भी, लेकिन एकदम सामने आने से डर भी लगता है कि सामने वाला क्या सोचेगा, तो इस डर में बहुत ज़्यादा है। लेकिन इस बीच में ना एक बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन फील हो रहा है मुझे कि आपको भी वो अच्छा लगता है, वो उनको भी आप अच्छे लग रहे हो, लेकिन पहले आप और कौन कैसे रिएक्ट करेगा, ये डर के मारे ही कोई सामने नहीं आ रहा या अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। Tower is the sun and the queen of swords. Wheel of fortune. Three of Wands. Ten of Cups or Five of Swords. So, two card or Ace of Wands and the Chariot. Bottom deck है the Fool. Okay. तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो energy है, ये जो एनर्जी है ना काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी में है, जिनके बारे में आप सोच रहे, लाइक क्रश जो सिचुएशन है ना, तो वो पर्सन है जो सामने वाले बहुत ज़्यादा अपनी परेशानी में है, कुछ तो उनके लाइफ में टूटा है, वो दिल हो या फाइनेंशियल सिचुएशन हो या कहीं तो कुछ तो है जो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। लेकिन इस बीच में ना ये पर्सन अचानक से होपफुल हो गया है, वो पर्सन होपफुल आपकी वजह से हुआ है, कुछ अजीब है, एक अट्रैक्शन है और अजीब कनेक्टिंग फीलिंग है आपके लिए, बहुत ज़्यादा फील होता है ना कि ये इंसान के साथ एक रहता ना हमें कि किसी पर्सन से जुड़ने के बाद हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है, वैसे काइंड ऑफ उनको फील होता है, एक उम्मीद जागती है, जैसे उन्होंने अपनी लाइफ में जो एक स्ट्रगल देखी है, उम्मीद खोई है या फिर कुछ कनेक्शन टूटने की वजह से बहुत ज़्यादा ना एक अलग सी डिप्रेशन एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी में थे या फिर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाना है, कुछ भी है। तो ऐसा नहीं कि अभी कम्प्लीटली आपके ऊपर देखते ही ट्रस्ट हो गया, ऐसा नहीं है, बट स्टिल वो चीज़ में ना आपको देखने के बाद ना काफ़ी ज़्यादा एक होप जगा है कि पता नहीं क्या, लेकिन ये पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन है, और क्यों है, क्या है, जस्ट इंफैटुएशन है कि क्या, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं आपको, वो आपके अपने बारे में बताना चाहते हैं, कुछ उम्मीद ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा इन द सेंस कि वो ऐसा नहीं कि एकदम सीरियस, बट क्या है इस इंसान के बारे में, क्या इनके साथ हमारी केमिस्ट्री कैसे रहेगी, कैसे बातें होंगी, क्या एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, क्या एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे तो कैसे लगेगा, वो सब जानने की कोशिश है। और फिलहाल तो अपने रिश्तों में, अपने करियर में बहुत ज़्यादा एक उलझे हुए रिश्ते में है या सिचुएशन में है, लेकिन अपने करियर के ऊपर भी फोकस है, उनको पता है कि उनकी लाइफ में जो भी चल रहा है, जो भी नेगेटिव सिचुएशन हो या फिर कोई करियर के प्रॉब्लम्स है, उससे पहले कटआउट होना पड़ेगा, उससे पहले सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक सरदर्द की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक तकलीफ़ की एनर्जी है, जिससे वो पहले बाहर निकलेंगे। और ये एक्चुअली ना वो फेज़ में ही थे, फेज़ में ही है
तो उस चक्कर में जब आपसे आपको देखा है, आपसे मिला है, आपके बारे में सोचा है, तो बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव फीलिंग है कि चलो प्रॉब्लम्स है तो सॉल्व भी होंगे, ऐसे कुछ अजीब सी उम्मीद जगी है। तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आपको जानना और चाहेंगे, मिलना और चाहेंगे कि आखिर इस इंसान के बारे में ऐसा क्या वाइब्स है, ऐसी क्या एनर्जी है जो एकदम पॉजिटिव कर लेती है। तो ही इज़ वेरी होपफुल एंड मुझे ऐसा लगता है कि न्यू ईयर विश आने की चांसेस हैं कि जहाँ पे ना एक लाइट एटमोसफियर से बात हो सके कि आपको लाइक आपसे जानना है। आप मुझे कुछ लोगों के लिए ना लिटरली प्रपोजल फील हो रहा है कि डेट को जा सकते हैं क्या, आप वगैरह पूछ सकते हैं कि मतलब क्या हम मिल सकते हैं, क्या हम एक दूसरे को जान सकते हैं, वो ज़रूर पूछेंगे ऐसा फील हो रहा है। इट्स नॉट अबाउट कमिटमेंट या कुछ और ज़्यादा है, बट समाउ एक एटलीस्ट दोस्त की तरह ही सही, एक दूसरे को बहुत जानना है। और ऐसा लगता है कि आप दोस्ती से दोस्त की तरह सोचे या वो दोस्त की तरह सोचे, बट यहाँ पे दिल में अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही है। यहाँ पे अट्रैक्शन आपके लिए फीलिंग बहुत ज़्यादा फील हो रही है, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ना कि आप नसीब से जुड़े हो। आपका मिलना टकराना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके आपको नसीब ही एक साथ लाई है, आमने सामने लाई है कि देखो एक दूसरे को पहचानो वाली चीज़ मुझे फील हो रही है। तो हो सकता है कि इनकी फैमिली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो और सब चीज़ परेशानी हो, फैमिली लाइफ में ना पेरेंट्स के साथ हो या फैमिली में कुछ हुआ है, कुछ भी हो सकता है। तो या फिर ये पर्सन मैरिड है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली किसी परेशानी में तो है, लेकिन उस चीज़ से निकलने की एनर्जी है कि जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा होपफुल है। लेकिन ट्राई टू बी लाइक कि ये सिर्फ फ्लर्ट ना करें या आप फ्लर्ट ना करें, ये इस बात का जैसे ना अजीब सा डर है, अजीब सा डर है। तो पैशन और अट्रैक्शन तो बेहद ज़्यादा है, लेकिन थोड़ा एक ना एक संभल संभल के कदम से आगे आगे, थोड़ा हल्के हल्के से आगे बढ़ना है, ऐसी एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यू नो आपकी तरफ से भी, आप मान लीजिए कि आप प्रपोज करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि आप डेट पे जाना चाहोगे क्या, मिलना चाहोगे क्या, तो ये बहुत सोच समझ के जवाब देंगे या फिर काफ़ी सोच समझ के बातें करेंगे, क्योंकि पहले तो वो ना बहुत ज़्यादा आपको जानना चाहते हैं कि आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप क्या समझोगे। आप मतलब अजीब सा डर है कि बोले कि ना बोले, बोले कि ना बोले, कितना बोले कि कितना कम बोले, क्योंकि ऐसा लगता है ना जैसे इंसान आपको भी खोने से डरता है कि भाई ये पर्सन का एक प्रेजेंस ना निकल जाए ज़िंदगी से, वो चीज़ बहुत ज़्यादा फील हो रही है इनका। मतलब हो सकता है कि लिटरली आप कहीं घूमने जाओ, वो चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। रिस्क तो लेंगे ऐसा लग रहा है कि मिलने की, प्रपोज करने की या हाँ कहने की। चलो मिलते हैं, देखते हैं कि क्या है पर्सन, कैसे है। ट्रू लव, दिस इज द रोमांस ऑफ लाइफ टाइम। सो मतलब मुझे ऐसा लग रहा ना, जो हिचकिचाहट है, जो धीरे धीरे से एनर्जी है ना, एग्जैक्टली फटाक से प्रपोज न करना, कमिटमेंट लेवल पर ना जाना या कुछ भी सीरियस में फटाक से नहीं होना, ये वो चीज़ मुझे दिखाती है कि दे आर रियली थिंक अबाउट एज अ बहुत ज़्यादा सीरियसली फीलिंग करते हैं कि ये पर्सन कुछ डिफरेंट है, तो मे बी ये आपके ट्रू लव हो सकते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा सोच समझ के आ रहे हैं। रिकन्सलेशन, तो मुझे लगता है आपका मिलना तो ज़रूर होगा, मिलना तो ज़रूर होगा, क्योंकि यहाँ पे वही कार्ड है रिकन्सलेशन, तो मिलना होगा आपका, मिलेंगे ज़रूर। और मुझे वही एक ओकेजन नज़र आ रहा है कि जैसे न्यू ईयर की पार्टी हो या 31st की पार्टी हो या कहीं पे भी कुछ। फाइनेंसेस करियर, तो फाइनेंसेस से करियर पे फिलहाल तो फोकस है, किसी प्रॉब्लम में की वजह से या फोकस होने की वजह से लाइक आगे बढ़ना है, तो उसके ऊपर कंसंट्रेशन या उसकी वजह से कुछ कंसंट्रेशन बिगड़ा हुआ है, बट डेफिनेटली बैक ऑफ द माइंड में फिलहाल आप चल रहे हो, इसके लिए थोड़ा समझने की कोशिश में है। ट्रस्ट, द सिचुएशन कॉलिंग फॉर यू टू हैव अ फेथ। तो अगेन विश्वास की, ट्रस्ट फैक्टर की कोई बात है आपकी तरफ से, उनकी तरफ से, स्पेशली उनको ना अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ है कि उनके लाइफ में जो भी हुआ है उसकी वजह से बहुत ट्रस्ट फैक्टर की लाइक ट्रस्ट करना मुश्किल हो रहा है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है।
स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस. सो यूनिवर्स का कहना है कि स्टे ऑप्टिमिस्टिक, कोई चीज़ अभी से सामने नहीं आ रही एकदम एकदम झटके से, तो निराश नहीं होना है, नहीं हो पा रहे तो थोड़ा वक्त देना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है. क्योंकि बहुत अगर वो भी सोच समझ के आ रहे हैं तो मतलब आपको भी बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने का सोचने का टाइम मिल रहा है. तो बहुत बहुत मुझे लगता ना बहुत पॉजिटिव फीलिंग है, बहुत पॉजिटिव फीलिंग है. लेट्स सी कि ये आपको बहुत लाइक डेट के लिए तो पूछ ही सकते हैं, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, इस बात का ज़रूर ध्यान दें. तो जिनकी एनर्जी है उनके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि यस देर आर चांसेस. सो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स.